सब्र का बांध तोड़ दिया है, तो यही लिख दो ना मेन्यू में। मटन पानी में, सो अंगूरी गुलाब जामुन, मेजर डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, और 900 रुपये आपके हाथ में खुजली कर रहा हूँ कि कैसे खर्च करूँ। किसी ढाबे से भी चीज़ें मंगाओगे ना तो शायद से मोस्ट नेगेटिवली रिव्यूड मील बॉक्स। सो दिस इज बारबेक्यू इन अ बॉक्स नॉन वेज। पॉज करके आप इसमें आइटम्स और इसका प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो। और मोस्ट नेगेटिवली रिव्यूड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने एटलीस्ट इसके जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब में, कोई भी रिव्यू 100% पॉजिटिव नहीं था। मतलब बहुत से लोगों को ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, किसी को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, और बहुत से लोगों को तो इसमें आइटम्स भी कम मिले हैं। ऑल दो ऐसी मील बॉक्स बारबेक्यू नेशन 9 या 10 महीने पहले ही लॉन्च कर चुका था, बट उस टाइम मेरा कोई ईटिंग चैनल नहीं था, बट अभी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना देहरादून का UBQ बाय बारबेक्यू नेशन ट्राई कर लिया जाए। और लेट्स जस्ट फाइंड आउट कैसा है ये। इसको करते हैं साइड। स्टार्टर्स में है मेरे पास चिली गार्लिक प्रॉन्स, और इसी सेक्शन में इन्होंने डाल रखा है अजवाइन फिश टिक्का। और इधर वाले सेक्शन में है अचारी मुर्ग टिक्का, हनी चिली पाइनएप्पल्स और वेज कॉर्न कबाब। और इधर है मेरे पास चिकन विंग्स। मेन कोर्स की बात करें तो इधर है मेरे पास चिकन दम बिरयानी, इसके साथ थोड़ा सा रायता भी दे रखा है, दाल मखनी, बीच में है कोटमीरी मुर्ग, और इधर है लाल मांस, थोड़ा सा सैलेड भी दे रखा है इन्होंने। डेजर्ट में है मेरे पास अंगूरी गुलाब जामुन, चॉकलेट ब्राउनी और मूंग दाल का हलवा। साथ ही इन्होंने दे रखे हैं दो तरह के डिप्स, एक इनका है गार्लिक मेयो डिप और एक है हरी चटनी। हाँ, इस मील के साथ आते हैं 2 लच्छे पराठे, बट मुझे लगा कि ये थोड़े से कम पड़ जाएंगे तो मैंने 2 और एक्स्ट्रा मंगा रखे हैं अपने लिए। देखो बात है कुछ ऐसी, ये डेजर्ट वगैरह अभी हम रख देते हैं साइड में, एंड में ही खाएंगे इन्हें, अपनी परंपरा निभाते हैं। आज मुझे डाइट कोक नहीं मिली कहीं भी। डाइट कोक मैं एक्चुअली सिर्फ इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, क्रिस्प टेस्ट है उसका, इसलिए, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। Huge difference. There's a huge difference. Thank you so much, God, for this food and for everything else. Chicken wing. पहले बिना किसी चीज के try करके देखते हैं। चिकन विंग्स ओके ओके। प्रॉन्स टेस्ट करते हैं। पता नहीं क्यों बट फिश टिक्का फिश टिक्का गजब हो रहा है। इनका सॉस देखो, ये इतना पतला होता नहीं है जब हम बारबेक्यू नेशन जाते हैं। देख रहे हो इसका कंसिस्टेंसी, डिसअपॉइंटिंग। आचारी मुर्ग टिक्का
सो अचारी मुर्ग टिक्का और फिश टिक्का बेहतरीन हो रहा है। दिस इज हनी चिली पाइन एप्पल बेहतरीन हो रहे हैं। नहीं, स्टार्टिंग में मैंने आपको जो सामान की लिस्ट दिखाई दी उसमें कॉर्न कबाब थे, बट ये पोटैटो है। नहीं मतलब अच्छा हो रहा है, बट अगर आप पे यही अवेलेबल है तो यही लिख दो ना मेन्यू में। ग्रीन चटनी लगाते हैं, थोड़ा सा मेयो में डिप करते हैं और थोड़े से इसमें प्याज भी रख देते हैं, टिक्की टाइप बना देते हैं ऐसा डिप करके। इट्स अ बर्गर, लेट्स गो इन फॉर अ बिग बाइट। देखो बारबेक्यू नेशन में ज़्यादातर लोग जाते हैं स्टार्टर्स के लिए, और अगर स्टार्टर्स ही अप टू द मार्क ना हो तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। पाइन एप्पल ना रिफ्रेशिंग से हुए खट्टे खट्टे, बट ये ना अच्छी तरह से मुझे कुक्ड भी नहीं लग रहे हैं प्रॉन्स। मेजर डिसअपॉइंटमेंट, चिकन विंग्स और प्रॉन्स मुझे बेस्ट लगते हैं जब भी मैं विजिट करता हूँ बारबेक्यू नेशन। अभी वर्स्ट लग रहा है, फिश टिक्का इज नाइसली कुक्ड। जब उन्होंने कॉर्न कबाब की जगह आलू कबाब दे रखा है तो मुझे अब सीरियसली डाउट हो रहा है कि ये क्या है, फिश टिक्का ही है या क्या है। क्या ही बोलूं मैं, एक बाइट लेके देखते हैं, अगर च्यूएबल नहीं होगा तो हम इसे गर्म करवा देंगे सबसे पहले। ओहो, किसी भी ग्रेवी वाली चीज की कंसिस्टेंसी अच्छी होना तो मजा ही आ जाता है, ड्रिप होता रहेगा। थैंक गॉड, मुझे ना बारबेक्यू नेशन के मेन कोर्स से कभी भी कोई भी उम्मीद नहीं रहती है, बट दाल मखनी तो अच्छी हो रही है। एक बार दोबारा से
इसे टेस्ट करके देखते हैं। मटन है, लाल मांस, चिकन है वो मुर्ग नाम से जो था। देखो इन तीनों में से मुझे बेस्ट लग रहा है ये चिकन। अब क्योंकि मैं ये बिरयानी को छोड़ के बाकी सब आइटम टेस्ट कर चुका हूँ, मैं अपना एक ओपिनियन तो दे सकता हूँ। बारबेक्यू नेशन में अनलिमिटेड बुफे वाला ऑप्शन जो होता है वो पड़ जाता है आपको 650 to 750 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द डे ऑन विच डे यू आर गोइंग देयर। और ये मुझे पड़ा है 900 समथिंग का। जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तब तक इसे ऑर्डर ना करें, इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप अनलिमिटेड बुफे वाला सिस्टम, नॉनवेज थाली या वेज थाली जो भी आप हैं वो वहीं जाके आप खाओ, अनटिल एंड अनलेस आजकल जैसी सिचुएशन हो जहाँ आप बाहर नहीं जा सकते। वही मैंने बोला, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है और आप रेस्टोरेंट जा सकते हो तो फिर डेफिनेटली प्रिफर करना कि आप रेस्टोरेंट जाओ और वो अनलिमिटेड वाला लो, सस्ता पड़ेगा वो, एंड ट्रस्ट मी इससे ज्यादा अच्छा होगा वो। बिरयानी ट्राई करते हैं। पहला आइटम है जो मुझे अच्छा लगा, सीरियसली मैं क्या ही बोलूं, सब चीज़ पानी पानी ही है। लेट मी शो यू, ये मटन की ग्रेवी देखो, मतलब लिटरली पीली दाल तक की नहीं बनती इतनी पतली ग्रेवी जितना पतला ये मटन इन्होंने बना रखा है। चिकन की बात करूं तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, टेस्ट भी इसका यूनिक है, डेफिनेटली मुझे कुछ नया टेस्ट करने को मिला है आज। अच्छा है बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ अरे मज़ा ही आ गया, नहीं। रही बात दाल मखनी की, तो कंसिस्टेंसी इसकी भी ठीक है बट अगेन टेस्ट कुछ ऐसा नहीं है, मतलब लिटरली आप किसी ढाबे से भी चीज़ें मंगाओगे ना तो शायद से इस दाल से अच्छा ही होगा वो। और हाँ, इस मील में सिर्फ 2 लच्छे पराठे आते हैं, पता नहीं क्यों, तो मैंने तो 2 एक्स्ट्रा मंगाए थे। मुझे बेस्ट चिकन लग रहा है, मैंने बारबेक्यू पे 2 वीडियोस बना रखे हैं पहले, ये दोनों चीज़ कभी टेस्ट नहीं गए। थैंक गॉड इसे देख के तो लग रहा है सही हुआ टेस्ट नहीं करी। आज पहली बार मटन को टेस्ट करके ऐसा लग रहा है कि छोड़ दूँ।
चिकन बेहतरीन हो रहा है। मतलब सीरियसली ऐसा लग रहा है कि इनको इस मील में एक आइटम और देना था, तो इन्होंने वो मटन पानी में थोड़े मसाले वगैरह डाल के दे दिया। इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है मटन। चिकन में मेहनत की है बट मटन मैं नहीं खा ही नहीं रहा। इसको इसमें पलट देते हैं। क्वांटिटी अच्छी है। सो ये है चिकन दम बिरयानी। पीस की बात करें तो इसमें एक दो पीस हैं। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, बढ़िया। ये देखो, ये है इनका रायता। इसे ये लोग रायता बोल रहे हैं। ये इनका रायता। कुछ भी भेजोगे तो कुछ भी थोड़ा खा लेंगे यार, प्लीज़ ऐसा मत करो। बारबेक्यू नेशन वाले अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़, अगर आपने अपने मेन्यू में इतने प्राउडली ये आइटम्स, ये मील बॉक्स रख रखे हैं, तो प्लीज़ जस्टिस करो इनके साथ। एक चीज़ जो मुझे बेस्ट लगी इस मील बॉक्स में, बिरयानी। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसी बिरयानी बारबेक्यू नेशन में नहीं खा रखी है। वहाँ बिरयानी बहुत बेकार बनती है, बट यहाँ अच्छी दे रखी है। और वहाँ स्टार्टर्स और बाकी सब आइटम बहुत अच्छे होते हैं, बट यहाँ बहुत बेकार भेज रखे हैं। सही में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कम बेइज्जती कैसे करूं। अब देखो, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो रही है, थोड़ी सी दाल मखनी के साथ चिकन बिरयानी टेस्ट करते हैं। आप लोग जानते हो मैं कभी भी किसी भी चीज़ को किसी भी रेस्टोरेंट के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, बट इन्होंने वो दहलीज लांग दी है, सब्र का बांध तोड़ दिया है। ये बॉक्स बाहर से आपको इतना डेप्थ में लग रहा होगा, इतना गहरा है, अंदर से ये इतना सा है। और क्योंकि चिकन अच्छा हो रहा है तो इसमें एक और रोटी खाई जा सकती है। दे दो यार, ग्रेवी तो दे दो। बारबेक्यू नेशन इतना चिंडीपना क्यों किया है? पानी 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 मटन पानी पानी। जब इतना कॉस्ट कटिंग करना ही था तो मेन्यू में मेंशन नहीं करो भाई।
तो इतने पहली बार इस चैनल पे या फिर पहली बार मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं किसी खाने वाली चीज़ को बोल रहा हूँ कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मेरे भाई को अगर पसंद आया तो वो खा लेंगे, और हाँ ये रायता भी मुझे फेंकना पड़ेगा बिकॉज ऐसा रायता कोई नहीं खाता है भाई। आप में से बहुत लोगों को पता होगा मुझे मीठा पसंद नहीं है बिकॉज ये कैलरी डेंस होता है, बट स्टिल खाली ये देखने के लिए कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं। सो अंगूरी गुलाब जामुन मूंग दाल हलवा बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन। ये घी में बना रखा है, मतलब खाना ऐसा और डेजर्ट ऐसा, सीरियसली ऐसा लग रहा है कि डेजर्ट कहीं और से खरीद के इन्होंने इसमें रख रखे हैं। चॉकलेट ब्राउनी, गजब। गजब अपने सामने से हटा देता हूँ। अपने डाइट की वजह से मैं मीठा कम ही प्रेफर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद ही नहीं है, बट मैं मीठा कम खाता हूँ बिकॉज ये इंस्टेंटली इंसुलिन को स्पाइक कर देता है जो हमारे फैट कटिंग प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो इसलिए मैं मीठा अवॉइड करता हूँ। सो ऐसा था UBQ का बारबेक्यू बॉक्स, बारबेक्यू ना मील बॉक्स, 900 रुपीज़ का, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। आई एम सॉरी बारबेक्यू नेशन, आई लव यू गाइस, मैं वहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, बट नहीं ये नहीं है वर्थ इट, तो नहीं है। अंटिल एंड अनलेस आप लोगों की एकदम अत्यंत मजबूरी हो और 900 रुपये आपके हाथ में खुजली कर रहे हो कि कैसे खर्च करूँ, तो ही ये UBQ का बारबेक्यू ना बॉक्स मंगाना, अदरवाइज आई सीरियसली रिकमेंड कि मत मंगाना। मेरा सीरियसली मन कर रहा है इनको खाने का बिकॉज आज कुछ भी अच्छा नहीं था इस पूरी मील में। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।